सर किया है। क्या आंसर आया सर? 43 माइनस 24 रूट बाय 3 बाय 11। 40? नो सर वेट, थर्ड का एक सेकंड, आई एम टेलिंग। सर मैंने इसको ट्राई किया था बट मेरा गलत आ रहा था। अच्छा, हम भी तो वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं बेटे, कितने बच्चों ने किया है। देखो सर, एक्चुअली आंसर तो सिर्फ इसका बेटे इतना सा है। आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर तो इसमें कुछ था ही नहीं। ये डिस्टर्ब करता है सिंप्लीफिकेशन, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। वो पैड है क्या आपके पास? कौन सा पैड सर? वाला जिस पर हम लिखते हैं। हाँ जी, चाहिए हमें पेड चाहिए कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। वो तो यही रखा होगा ना, तो भैया लिख रहे थे, देखो इसके इसके नीचे तो नहीं है जानमाज के, जानमाज के नीचे नहीं, भैया ले रहे थे। हाँ सर, हमारे पास क्या है, अरे क्या हो गया, यस आपके पास कॉस 45 रखना है। कॉस 45 होता है 1/√2। 1/√2 sec 30, मैंने अभी आपसे कहा था sec 30, cos 30 सोचिए, cos 30 sin 60 सोचिए, रैशनलाइज कर ले √2 sin 60 cos 30 √3/2। हां बेटे रैशनलाइज कर ले पहले। नहीं बेटे, पहले कैसे से रैशनलाइज कर लोगे, अलग अलग करोगे सबको, सबको अलग अलग थोड़ा ही कर लोगे बेटे। तो आपका cosec 30 हो जाएगा 2/√3 और cosec 30 हो जाएगा आपके पास 2। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा आंसर तो सिर्फ इतना सा ही है, टेंथ वाला जो पार्ट है ना, दैट इज जस्ट दिस, जिसे कहना चाहिए ओनली दिस, आपने वैल्यू रख दी, आपका टेंथ का पोर्शन खत्म हो गया। अब तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है कि 8th क्लास में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है या नहीं आता। दूसरी बात, जो यहाँ इरेशनल नंबर है उसको सिंप्लीफाई आप कैसे करते हो, रैशनलाइजेशन आप कैसे करते हो, वो पहला पार्ट है और सब बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मैंने सब बच्चों से पूछा भी कि ये बताओ, तो आपके पास क्या आना है, आपके पास ये 1/√2 आना है। और बेटे इंडिविजुअली रैशनलाइज नहीं कर सकते इसको, हम अलग अलग वैल्यूज को रैशनलाइज कर लें देन वी कैन वी यहाँ पुट करें, क्योंकि बेटे अपॉन में भी तो है ना, तो पता नहीं कौन सी टर्म फिर इरेशनल आ जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो डेनोमिनेटर है इस वाले पोर्शन को आपको सिंप्लीफाई करना था। तो यहाँ आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आएगा √3, तो आपके पास आएगा बेटे 2 + 2√3। ये बस आएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप मल्टीप्लाई करोगे सर, फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई, तो फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई क्या करना होता है, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ये बस। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा बेटे √3 अपॉन, ठीक है, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे √2 से, तो आपके पास कितना आ रहा है 2√2 एंड प्लस 2√6 ये आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहो तो √2, √2, √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, प्लस माइनस जो भी आप करते हो, लेकिन मैं आपको आसान करने के लिए कह रहा हूं कि आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो इनसाइड आपके पास आएगा √2 + √6। अब आप रैशनलाइज जब करते हो तो आपको डेनोमिनेटर का कॉन्जुगेट चाहिए होता है, कॉन्जुगेट मीन्स अपोजिट साइन, सो वी नीड √2 - √6। बट यहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख लेंगे, वेन एवर यू हैव टू रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, और अगर टर्म्स हमारे पास प्लस में है तो लार्जर वैल्यू को पहले लिखना सीख लीजिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अच्छा ये है बेटे, आप सब बच्चे
आप इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए, रूट थ्री टू अंडर रूट सिक्स प्लस रूट टू, बिकॉज ये प्लस में था तो रूट टू प्लस रूट सिक्स एंड रूट सिक्स प्लस रूट टू बोथ आर सेम, बट जब आप रेशनलाइज करोगे तो फर्क आ जाएगा। तो इसे आप रूट सिक्स माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, तो नीचे वाली वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। अगर आप रूट टू माइनस रूट सिक्स से करते तो नेगेटिव वैल्यूज आती, तो ये हमारे पास होगा। अब ऊपर आप क्या कर दोगे भाई, रूट थ्री रूट सिक्स रूट एटीन, रूट थ्री रूट टू रूट सिक्स, नीचे हमारे पास क्या है टू, और ये जो हमारे पास आता है ये आपको बताया जब आप इसे रेशनलाइज करते हैं तो ये है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ सर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस यस सर, हो गया हो गया। तो अब आपके पास हो जाएगा सिक्स माइनस टू, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, रूट टू का स्क्वायर टू, सिक्स माइनस टू क्या हो जाएगा फोर, फोर टू जा हो जाएगा एट, सो अंडर रूट एटीन माइनस अंडर रूट सिक्स बाई फोर, दैट इज अवर सॉल्यूशन। तो मैंने आपसे क्या कहा, हमारा जो टेंथ का पार्ट था वो तो सिर्फ बेटे इतना सा था, बाकी सब तो सिंप्लीफिकेशन। सभी बच्चे से नोट कर लें जरा प्लीज। Excuse me sir. जी बेटे। सर आपने डिनोमिनेटर की जगह 8 लिख दिया। है बेटे? 8 नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। अच्छा जी 8 लिख देंगे। अब बुढ़ापे में इतना तो हो ही जाता है बेटे, क्या करें? अरे मेरे अल्लाह। जी क्या कह रहे थे और कुछ? कुछ बच्चों के टेस्ट हैं जुलाई फर्स्ट वीक में, तो प्लीज क्लासेस कर लो थोड़ी बहुत। एक बार मैसेज भी आया था फिर बच्चों ने, फिर बच में मुझे याद भी नहीं किसने कहा था, दो तीन बच्चों को क्लासेस चाहिए थे अलग चैप्टर्स के, मुझे पॉलीनोमियल्स की चाहिए थी। ठीक है जी, और किसको चाहिए? सर मैंने आपको मैसेज किया था, सॉरी सर। सॉरी सलाम जी, किसका मैसेज किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सर। हाँ कोऑर्डिनेट जो, और कौन कौन थे आपके साथ? आप दो तीन बच्चों का नाम ले रहे थे। और समीर सर। समीर और साहिल। साहिल, तीन बच्चों, ठीक है। चैप्टर वन चल रहा है टीटीएस में 6 बजे, किसी भी बच्चे को चैप्टर वन रिवाइज करना हो, एक क्लास शायद आप बच्चों ने ली भी है, उसके बाद में किसी ने मैसेज ही नहीं किया कि सर मुझे ले चैप्टर 1 भी करना है। हाँ मुझे तो सारा करना है, मुझे दोनों करना मुझे है तो, मुझे तो नींद आ जाती है ना बीच बीच में, बाद में जागती हूँ मैं तो फिर मुझे सब करना होता है। नो सर, वो मैंने ना लेट जॉइन किया है, मतलब जो कोचिंग है वो, इसलिए मेरे वो चैप्टर्स छूट गए। अच्छा बेटा, तो चैप्टर 1 चल रहा है टीटीएस में, मेरी क्लास होती है 6:15 से 7:15, उसमें मैंने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज कर ली है। किसमें? किसमें? चैप्टर 1 में। तो उसमें उसमें यूक्लिड और एसटीएफ वाला पार्ट हो गया, कल से हम इरेशनल नंबर्स वाला पोर्शन करेंगे, दैट इज सेपरेट पार्ट, तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो क्लास कहां होती है वैसे? टाइमिंग्स बस मालूम करिए, होने को तो ऑनलाइन ही होनी है बेटे, 6:15 पे होगा। उसका सेकंड पर ही होती है? हैं, Zoom पर ही होती है? हां Zoom पे होती है। लिंक तो आता नहीं ग्रुप पर बेटे, वो दूसरे ग्रुप में आता है ना सेकंड बैच में। तो अगर आप आपको अगर करना है तो आप मुझे कल रिमाइंड करा दीजिएगा या ऑफिस में फोन करके बोल दीजिए, तो वो बच्चे आपके साथ भी लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है? तो चैप्टर 1 तो उसके साथ कर लीजिए, और चैप्टर 1 के अलावा जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है, कुछ करना है, तो बच्चे मैसेज कर दें, तो फिर इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर देंगे उसका। चैप्टर 3 की भी एक बच्चे को क्लास चाहिए थी, तो चैप्टर 3 भी रिवाइज कर लेते हैं, मतलब कर ही लेते हैं रिवाइज, क्या वो तो हुआ ही नहीं मतलब। सर हो गया ये? यस सर। यस, अब मुझे आप सब बच्चे बताओ जल्दी से, इसमें 5 पार्ट्स थे, किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 1 में देयर वर 5 पार्ट्स, ठीक है?
ये हमारे पास 5 पार्ट्स थे, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम आई हो या पूछना हो तो पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें से किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट हमने कर लिया था, तो सेकंड फोर्थ फिफ्थ में अगर आपको किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सिर्फ वैल्यूज प्लेस करने, थर्ड वाला ही था जिसमें रैशनलाइज करना था, बाकी में तो ज्यादा कुछ रैशनलाइज भी नहीं करना है। टेबल से सिर्फ वैल्यूज रखने कर सकते हैं सब बच्चे, या कोई सा पार्ट करूं मैं? सर कर लिया है, सर कर लेंगे। अच्छा ठीक, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, नॉर्मली एमसीक्यूज के फॉर्मेट में है, ठीक है, उसमें भी वैल्यूज ही रखनी है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेम है, 10 वाली वैल्यूज है, थर्ड इसमें थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग तो कुछ नहीं है, वैल्यूज रख के चेक करना होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देख लो बस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, आपसे कह रहा है साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू किस वैल्यू के लिए होगा, तो बेसिकली हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a व्हेन a इज इक्वल्स टू। तो देयर आर 4 ऑप्शंस, 0, 30, 45, 60। तो आपको चेक करना है 0 के लिए होता है, 30 के लिए होता है, 45 के लिए होता है, 60 के लिए होता है। तो करना क्या है, आपको करना यह है कि भाई अगर मान लो मैं 0 के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, 4a इज इक्वल्स टू 0, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में a को 0 प्लेस करना है, आपको राइट हैंड साइड में a को 0 प्लेस करना है, और फिर आपको चेक करना है कि भाई दोनों इक्वल हैं या नहीं, LHS इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो आप कह दीजिए यस ए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 0 या 30 है, तो आपको दोनों वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। तो जैसे अब हम यहाँ कर रहे हैं 4a इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन 2a, a को आपने रखा 0, तो साइन 2 इंटू 0। ध्यान ये रखना है ये एंगल को आप रख रहे हो, वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, तो 2 इंटू 0 0 होता है, तो इट बिकम साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो ये आपके पास आया LHS। नाउ आपको चेक करना है RHS। RHS हमारे पास है 2 साइन है, a को आपने लिया हुआ है 0, तो 2 साइन 0। नाउ आप 2 जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो वो वैल्यू से कर रहे हो, साइन 0 से, तो साइन 0 होता है 0, तो अब आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 0, बट 2 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो अगर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया तो वो किसके लिए हुआ है, 0 के लिए, 4a इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको चेक करना था बस। तो अगर हमारा थीटा 0 है तब ये हमारा साइन 2a 2 साइन a के इक्वल होता है, 30 के लिए नहीं होगा, 45 के लिए नहीं होगा, 60 के लिए नहीं होगा, आप ऐसे ही रफली चेक कर लो। अगर मैं a को 30 लिख दूं, हाँ भाई बच्चे, अगर मैं a को 30 लिखूं तो 32 जा कितना हो जाएगा, हाँ भाई 60 सर, 32 60 हो जाएगा, और साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 है ना। और राइट हैंड साइड में अगर आप a को 30 लिखेंगे तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो 2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1, तो √3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि 30 के लिए नहीं है, 45 के लिए नहीं है, 60 के लिए नहीं है, इट इज जस्ट फॉर 0, तो 0 के लिए ये हमारे पास इक्वल आ रहा है, बाकी और किसी के लिए इक्वल नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके थे, आपको याद हो कि टेन ए प्लस बी इज √3, एंड चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, हाँ भाई ये तो क्वेश्चन किया था ना हमने, टेन ए प्लस बी इज √3 एंड टेन ए माइनस इज 1। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस बार हम ये कह रहे हैं कि भाई साइन साइन क्या ड्रामा,
साइन ए प्लस बी, देखो सब बच्चे, साइन ए प्लस बी इज वन एंड साइन ए माइनस बी इज वन बाई टू. चलो चेक, फाइंड करो ए और बी, कोशिश करो जरा दो मिनट आप सब बच्चे, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, दो मिनट आप ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं. जी सर, अब